कराची 2016 एक नए आगाज के साथ। मैं हूं मोहम्मद शहजाद। कराची को पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होने का एहसास हासिल है। आज़ादी पाकिस्तान के बाद ये शहर दुनिया का तेजी से तरक्की करने वाला शहर था। पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत होने का एजाज इसी शहर की झोली में है। आज़ादी पाकिस्तान से लेकर आज तक इस शहर ने बहुत से नशीबो फराज देखे। इस शहर का सीना भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, फसादात, कत्लो गारत और असलहे के गोले बारूद से छलनी था। कहते हैं हर नशेब को फराज आता है। साल 2016 इस शहर की बंजर जमीन के लिए बारान ने रहना साबित हुआ, जिससे इस शहर की हरियाली बढ़ाई। खुदा ने जनरल राहिल शरीफ को इस शहर के लिए रहमत का फरिश्ता बनाकर भेजा। पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स ने जिस तरह से इस शहर को दहशतगर्दों से पाक किया और दहशतगर्दी का नासूर खत्म किया, वो वाकई में काबिल तहसीन है। हम आर्मी चीफ को उनकी खिदमत के लिए खराज तहसीन पेश करते हैं। कराची दुनिया भर में जिंदगी के हर शोबे में अपना एक मकाम और मर्तबा रखता है। वो तालीम हो या तिजारत, सफाकत हो या सयाह, कराची को एक नुमाया मकाम हासिल है। कराची में इस साल क्या बदला, कौन कौन सी तब्दीलियां रोनुमा हुई, ये हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे जामिया कराची के तलबा और तालिबात की दुकान। आइए सबसे पहले चलते हैं शहर कायद की सैर को, जो कि अब एक मरतबा फिर अपने असल मकाम पर लौट आया है। हर साल एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी भी कराची ही में लगती है। इस शहर में मुख्तलिफ मजाहिब की इबादत गाहें मौजूद हैं। खूबसूरत और कदीम चर्च, मंदिर और मसाजिद इस शहर का असल हिस्सा है। साहिल समंदर मुल्क भर से आए सयाहों के लिए मरकजी मकाम रखता है। शोबा तालीम की बात की जाए तो कराची को दुनिया में अहम मकाम हासिल है। यहाँ ऐसे तालीमी इदारे और दस्तगाहें मौजूद हैं जो दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुके हैं। जामिया कराची, डॉ एसएमसी, एएमडीसी, एनईडी, दाऊ, इकरा, यूएमडीसी, आगा खान, बहरिया और बकाई सरे फहरिस्त हैं। हमने रुख किया जामिया कराची का और यहाँ जेर तालीम मुख्तलिफ शोबा जात के तलबा और तालिबान से मौजूदा सूरत हाल के बारे में जाना, उनका क्या कहना है, आइए देखें। जी हाँ, बहुत बेहतर है, क्योंकि कुछ अफराद के जहन में कुछ सवालात और कुछ तजिए और कुछ खाके ऐसे बन जाते हैं कि जिसकी वजह से वो कराची को अपने नज़रों में अच्छा। कराची के हिसाब से अगर देखा है तो कराची के हालात बहुत बेहतर हो गए। इस वजह से कराची यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो भी, और सबसे बेहतर ये चीज़ हुई है कि यहाँ का जो हालात थे
बहुत अच्छे हो गए। जैसे हम स्टूडेंट गोइंग थे, जब हम मैट्रिक हमने जब किया था तो हम लोग डरते थे बाहर निकलने से, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हमने करने वाले थे तो हम लोग डरते थे कि हम किस तरह मतलब जाएंगे शहर में, क्योंकि हालात ऐसे थे शहर के उठा उठा के मार देते थे लोगों को। तो अब काफ़ी बेहतर है हालात, बहुत अच्छे हैं, काफ़ी काफ़ी बेहतर क्या, बहुत अच्छे हैं। मतलब कोई किसी को कुछ नहीं बोलता, हम लोग मैं बल्दिया से आता हूँ, यहाँ पर बल्दिया से यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी गुलशन बल्दिया होना है, तो मैं वहाँ से यहाँ पर आता हूँ, तकरीबन डेढ़ घंटे का एक घंटे का रास्ता है, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर पहुँचता हूँ। हालात तो कोई इतने वो नहीं, हालात काफ़ी अच्छे, हालात तो काफ़ी बेहतर है। पहले जो हालात थे वो बहुत ख़राब थे, अब रेंजर्स आए, ऑपरेशन होने लगे, तो अब काफ़ी बेहतर फील कर रहे हैं और हर कोई मतलब शहरी मतलब पुरसकून माहौल में। इंटरनेशनल मीडिया शोज दैट इट ऑलवेज शोज दैट इट इज ब्लास्टिंग एंड टेररिस्ट अटैक्स एंड ऑलवेज Political condition has been stabilized. When I was a child, I heard that it's a city of lightning. But now it is actually the city of lightning. अब तो काफी बेहतर है क्योंकि obviously जब से rangers ने hold लिया है तब से बहुत अच्छे street crimes हो रहे थे या पत्थरखोरी ये सब चल रहा था, उससे तो काफी overcome कर लिया है कराची में। अब तो काफी बेहतर है कराची से, nice लगता है। कराची में पहले तो ये होता था कि आप जो मोबाइल स्नैचिंग बहुत ज़्यादा हो, तो अब बहुत ज़्यादा बेटर हुआ है क्योंकि जब से रेंजर्स का होल्ड आया है, सिर्फ और सिर्फ कराची में नहीं बल्कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। कराची एक बहुत अच्छा पुरअम शहर है, माशाल्लाह कराची के हालात दिन ब दिन बेहतरी की जा रही है। कराची के माहौल में कहा से पहले तो देखा जाए तो जहाँ किसी ने कोई भी पार्टियाँ तो करवाया या तालीम इदारे फौरन बंद हो जाते थे, पढ़ाई का निज़ाम थोड़ा डिस्टर्ब था, लेकिन अलहमदिल्ला अब काफ़ी बेहतर हुई है। अब काफ़ी बेहतर है कि जब से रेंजर्स वगैरह ने वर्ड संभाला तो मैं कहता हूँ कि यू कैन फ्रीली रोम अराउंड इन कराची इवन आफ्टर 10th, वरना 10 के बाद आप कराची में घूम फिर नहीं सकते, क्योंकि वो तो डेली तो वैसे भी आपको कोई ना कोई मिल जाता है टकर जाते हैं जो आपके यानी मोबाइल वगैरह स्नैच करते हैं, लेकिन अब है कि अलहमदिल्ला हमारा बहुत अच्छा हो गया और वी फील सेफ। आर्मी चीफ के बारे में जामिया कराची के तलबा तालिबात का क्या कहना था, आइए सुनिए। जनरल आयन शरीफ हमें उनकी तरफ से जो स्टेप्स लिए गए हमारे पिछले साल में आगे बहुत ज़्यादा खराब थे, मतलब बच्चों को स्कूल में पढ़ने जाने से रोका जा रहा था और हमारे पास आया तो उसके हाथ से इस साल जो है ना जगह से पुलिस से जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हुए, और यहाँ पे स्कूल कॉलेज के जो बच्चे जाने से डरते थे अब आराम से जा रहे हैं, हमारी आर्मी ने बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी स्टेप्स लिए। जब उनसे पूछा गया कि जामिया कराची के मयार तालीम को आप किस तरह देखते हैं तो उनका क्या कहना, मैं डॉक्टर सेबा इफ्तार शोबा इस्लामी तारीख से ताल्लुक़ है मेरा, जामे कराची में गुज़िश्ता 15 साल से मैं इस शोबे में तदरीस के प्राइस अंजाम दे रही हूँ। कि एक तो ये कि कराची यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है वो इंटरनेशनल स्टेटस है, NED जाना है, पास यूनिवर्सिटी है, IB है और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, हर IB और डिस्ट्रीब्यूट है यूनिवर्सिटी, लेकिन ये कि बहरहाल इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी जामियात हैं जो कुछ भी काम कर रही हैं, एक ये तासुर बन गया है कि ठीक कराची यूनिवर्सिटी में तो वो स्टूडेंट जाएगा जिसको यहाँ कहीं दाखिला नहीं, लेकिन अगर आप हमारी रिपोर्ट्स उठा करके देखें जो गुज़िश्ता सालों की हैं और सालों से चली आ रही हैं, तो आपका अंदाज़ा होगा कि कराची यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो किस कदर आला दर्जे के मुफक्किर भी हैं, मुअल्लिम भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, आला दर्जे के साइंसदान भी हैं और हर फील्ड में वो बेहतरीन उन्होंने अपने लिए कहना चाहिए नाम भी कमाया है, काम भी कमाया है और
और मैं ये समझती हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी में आप लोग इस फ़ख्र के साथ आइए और आना चाहिए स्टूडेंट्स को भी। मैं यहाँ पे हमारी बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन इसके बावजूद एक कॉन्सेप्ट है कि नहीं जी इसको तो लास्ट में रखेंगे, जब कहीं दाखिला नहीं मिलेगा देन फिर हम यूनिवर्सिटी चलेंगे। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, कराची यूनिवर्सिटी में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत आपको यहाँ पर मौाक़े मिलेंगे, बहुत काम करने का मौका मिलेगा, बहुत इल्म हासिल करने का मौका मिलेगा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे जब आप जाएंगे तो आपकी अमली ज़िंदगी में कराची यूनिवर्सिटी का किरदार भी आपको एहसास होगा कि इस I've been asked to represent my department on behalf of my fellow mates, and I have to clarify a specific incident that has been developed in the mind of different people that it is not good to study in Pakistan, it is not good to study in a specific city, specifically more specifically in Karachi. This perception is basically wrong. Personally, myself, I've been living in this city since my birth, and my experiences are totally different. It's a very peaceful environment over here. Nowadays, we don't have any such thing that people could classify as sort of a thought sort of thing. So, it's very peaceful out here. It's very different out here. Karachi University is one of the largest and vital organizations in the world. It is having more than, approximately, as much as I remember, more than 700 to 800 PhDs who are working as faculty members, and they are doing their research, they are training different students, and they are trying to teach specifically different students in their specified fields. And the level of studies and other things that's been present over here, they are quite satisfactory. You can come here by yourself, you can observe the things over here, and as much as other students are concerned, you have to clarify your perception. It's very good, it's very peaceful, and the knowledge that's being dispersed over here. Still, it is a really good place. I think you all should come here, and it's like awesome. Faculty is really good. Teachers here are extremely hardworking. They really work hard on our progress. Facilities which are provided, you have a scholarship of your like merit. They provide you gold medals as well if you get a position in the papers and that all. Plus, environment of students is really good. Teachers teach you really friendly, and it's amazing, really. It's awesome. So, I would advise you all to come here and join us. We have memberships as well, i.e. which contact with international universities as well, and as well as local universities in the Karachi and all over Pakistan. We have competitions. My name is Ashwin. My name is Sumrakha. Here we all want to. Firstly, we are the students of Mass Communication Department. First year. We are BS first year. And we would really like to welcome all of you to our university. As we have best environment over here. And of course, we have best. My name is Ansibur Rahman. I am a Karachi University Pharmacy Department. I am a 6th semester. Karachi University ka mahol bahut acha hai, padhai ke lihaz se bahut hi acha hai, high level, jisme labs hai, libraries hai, nayi 20 centuries ke hai. Assalamu alaikum, I am Aksar Azim, aur main pharmacy department hu second year, par bahut achhe teachers hain yahan par, itna acha padhate hain, wo hum easily apna study kar lete hain, unse jo puchna unke room mein ja ke puch lete hain, koi aisa issue nahi hota ki teachers hain to bura maan rahe hain, rudely behave kar rahe hain. नहीं, और अब तो यहाँ पर पहले हमारे डिपार्टमेंट में चार डिपार्टमेंट सिक्योरिटी में हमारे चार डिपार्टमेंट थे, कॉग्नोसी, कॉलोजी और सूटिक्स. तो अब एक और इंट्रोड्यूस करवाया है मेरी टीम ने, फार्मेसी प्रैक्टिस. तो उसमें हम दो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाके प्रैक्टिस करेंगे और वर्कशॉप्स होंगी. तो ये और ज़्यादा अच्छा है, हमारी डिमांड और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी. यहाँ पर बहुत बेहतरीन एनवायरनमेंट है, यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी है, और जब आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको कोई डर लगे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद जवाद फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी ऑफ बायोकेमिस्ट्री में डिपार्टमेंट. और जिस तरह के मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ का एनवायरनमेंट पढ़ाई के लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है, और जहाँ पर बेशक आप लोगों को क्लासिफाइड टीचर्स मिलेंगे,
और यकीनन बड़ी आपको हर तरह से सपोर्ट ही मिलती है, स्टूडेंट्स की तरफ से मिलती है, सीनियर्स की तरफ से मिलती है। और सर तो सर मैम यहाँ पे जो भी होते हैं आप लोग को यकीनन बड़ा अच्छा गाइड। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बख्तावर मुनीर भट्टी है और मैं फार्मेसी सेकेंड ईयर इवनिंग की स्टूडेंट हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है और इसमें फार्मेसी डिपार्टमेंट टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट जा रहा है और पूरे कराची में फार्मेसी की सबसे अच्छी डिग्री और जो जॉब मिलती है वो कराची यूनिवर्सिटी की फार्मेसी के स्टूडेंट को मिलती है। और यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे क्वालिफाइड हैं, पीएचडी सब पीएचडी है। और हमारी फार्मेसी की सबसे अच्छी बात जो है वो हमारे डीन है डॉक्टर इकबाल अजहर, जिन्होंने फार्मेसी को काफ़ी अच्छा बना दिया है और हमारे लिए काफ़ी सहूलियात कर दी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम रिदा जहरा है, मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी से हूँ और यहाँ की पढ़ाई, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। हमें यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत कोऑपरेटिव है। जब हम यहाँ आए थे तो हमारे सीनियर्स ने हमें बहुत हेल्प किया, सपोर्ट किया, गाइड किया। उसके अलावा टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, टीचर्स हमें अच्छा गाइड करते हैं, हमें पूरा कोर्स आउटलाइन पहले बताते हैं, उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें थ्रू आउट द सेमेस्टर लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मैरी नज़र। एज माय फ्रेंड हैज़ सेड, आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ इवनिंग प्रोग्राम। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का परसेप्शन ये है कि इवनिंग प्रोग्राम जो है मतलब बहुत अनसेफ होता है। ऐसा कुछ नहीं है, हम दोपहर में 1 बजे आते हैं, यहाँ से 7 o'clock इवनिंग में हम जा रहे होते हैं, बट कभी कोई ऐसी मिसहैप हमारे साथ नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। हमारा जो फार्मेसी का डिपार्टमेंट है ये बहुत रिकॉग्नाइज है KU का, और मैं कहती हूँ कि सबको यहाँ आके करना चाहिए क्योंकि ये बहुत रिकॉग्नाइज डिग्री है। बाहर भी KU की फार्मेसी को बहुत माना जाता है। मैं भी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और हमने यहाँ 5 साल गुजार दिए हैं अपने, और बहुत अच्छे इन्वायरमेंट गुजारे हैं। ओवरसीज से बहुत अच्छे इन्वायरमेंट रहा है हमारा। 4 फैकल्टीज हैं हमारी, चारों में बहुत अच्छे मार्क्स, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ बहुत अच्छी है। और मैं भी ये प्रिफर करूँगी कि बाहर से लोग आएँ और हमारी फैकल्टी को ज्वाइन करें, यहाँ कुछ भी अनसेफ नहीं है, सब कुछ अच्छा है। लोगों से लेकर हाई प्रोफाइल तक के स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करती है, उनको इन्हांस करती है कि वो अपना एजुकेशनल करियर आगे बढ़ाएं। और इसमें हर तरह के डिपार्टमेंट में, जैसे कि 50% वाले के लिए भी है, 65% वाले के लिए भी है, 80% वाले के लिए भी है, 85% वाले के लिए भी है, सबको कम्पीट करती है। केमिकल इंजीनियरिंग से लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दैन उर्दू इंग्लिश जो आर्ट्स से सेपरेट प्रमोट करती है। इसके अलावा यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। हमने सवाल किया कि बैरून मुल्क से आने वाले तलबा और तालिबात को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इसरा जब्बार है और मैं हूँ अभी मोहसिन। मैं रक्षा खान, मैं कराची यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट स्टूडेंट हूँ। और मैं हमारे फॉरेन फ्रेंड्स को जो यहाँ पर आकर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, मैं उन सबको हमारी तरफ से वेलकम करना चाहती हूँ और उन्हें बताना चाहती हूँ कि अगर वो यहाँ पे आएंगे तो उन्हें यहाँ पे उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और यहाँ पे जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं वो हाईली क्वालिफाइड मिलेंगे उनको। और माय फ्रेंड्स, जैसा कि इंटरनेशनली पाकिस्तान और कराची सिटी को लेकर एक तासुब है, वो बिल्कुल गलत है। मैं खुद भी एक फॉरेन स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद भी KSA से एजुकेशन हासिल की है और मैंने यहाँ आके कुछ ऐसा फाइंड नहीं किया जो कि डिस्टर्बिंग। So, do curb and